नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रविवार की सुबह संडे मार्केट सुपेला में हुए अवैध कब्जों को हटाने कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के सामानों को जब्त भी किया गया। संडे मार्केट सुपेला में दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे किए गए कब्जे, सड़क पर सामान फैलाकर दुकानदारी करने की शिकायत के मद्देनजर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रविवार को अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कई दुकानदारों के सामानों को जब्त किया गया। वहीं संडे मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई का दुकानदारों द्वारा लगातार विरोध भी किया जाता रहा, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के समक्ष किसी की नहीं चली। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। सुपेला चौक से लेकर गदा चौक का जो रोड है उसमें सुपेला संडे मार्केट जो है, आज रविवार का दिन है, रविवार के दिनों में जो अवैध रूप से दुकानें लगती हैं या जो अतिक्रमण कर लेते हैं उनके खिलाफ जो है अभियान चलाकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की गई है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश से सुपेला संडे मार्केट में जो अवस्था हो जाती है, आज संडे के दिन रविवार के दिन गाड़ियां नहीं गुजर पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाता है, ऐसी परिस्थितियों में जो है अवैध अतिक्रमण को हटाना जो है जरूरी हो गया था। इसको देखते हुए हमारी जो JCB है, जो 5 JCB है, वो डंपर 5 डंपर थे, सैकड़ों पुलिस वाले थे। इसके अलावा जो हमारे निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद होकर जो है कार्रवाई किए हैं। देखिए, हर जगह हर जोन में भी कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे होंगे। विगत 4 दिनों से हम लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं, और जहाँ ऐसी संभावना होती है, जहाँ दुर्घटना की भी संभावना होती है, कई टर्निंग पॉइंट होते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए बारम्बार कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है। बहरहाल निगम अधिकारियों ने लगातार अभियान जारी रखे जाने की जानकारी दी है, साथ ही सड़क को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।